नेटफ्लिक्स इंडिया ने हार्ट ऑफ स्टोन की एक इमेज शेयर किया जिसमें हमें आलिया भट्ट दिखी। जिसको नहीं पता उसको बता दूं कि हार्ट ऑफ स्टोन से आलिया भट्ट हॉलीवुड में डेब्यू कर रही हैं, और ये रोल कोई ऐसा वैसा रोल नहीं बल्कि मेन विलेन का रोल है, और इनके सामने होंगी सच्चाई की देवी वंडर वुमन यानी गैल गैडॉट। मूवी 11 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो जाएगी। क्या आप एक्साइटेड हैं इस मूवी के लिए? यशराज स्पाई यूनिवर्स में सबसे पहले आए सलमान और कैटरीना एक था टाइगर से, फिर आए ऋतिक रोशन वार मूवी से, और अब शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण ने एंट्री ली पठान मूवी से। अब आगे इस स्पाई यूनिवर्स में बनने जा रही है एक फीमेल लीड मूवी, और इस मूवी में हमें धमाकेदार एक्शन करती हुई नजर आएंगी आलिया भट्ट। हालांकि इसका अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं हुआ है, पर रिपोर्ट्स की माने तो ये फिल्म 2024 में बनना शुरू हो जाएगी। शाहरुख खान की फिल्म पठान में जब से लोगों ने शाहरुख और सलमान को एक साथ देखा है तभी से टाइगर वर्सेस पठान मूवी की चर्चा शुरू हुई, और धीरे धीरे वक्त के साथ इसकी चर्चा भी अब कम होने लगी है। तो क्या सच में ऐसी कोई मूवी के बारे में सोचा गया था या बस ये एक ख्याली पुलाव था? शाहरुख के एक क्लोज सोर्स से पता चला है कि एक्चुअली ये बस लोगों की विश थी जो धीरे धीरे सोशल मीडिया पर फैलती चली गई। ऐसा कोई प्रोजेक्ट अभी प्लान नहीं हुआ है। उन्होंने इसकी वजह बताई कि अगर ऐसी मूवी बनती है तो उसका बजट बहुत ज्यादा हो जाएगा। भाई दोनों एक्टर्स की फीस ही इतनी ज्यादा है, सो ये फाइनेंशियली इम्प्रैक्टिकल है। दोनों एक दूसरे की मूवीज में कैमियो देते रहेंगे, पर फुल फ्लेज्ड रोल वाली मूवी अभी प्लान में नहीं है।